वेलकम बैक टू एवरीवन इन माय चैनल। एंड आज मैं दोबारा से खेलने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट। लेकिन 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 आज मैं माइनक्राफ्ट का अंदर ट्राई करने वाला हूँ कुछ वायरल हैक्स जिनमें यूट्यूब पे मिलियन पे व्यूज है। एंड मैं सारे के सारे वायरल हैक्स को भी मैं रेटिंग भी देने वाला हूँ कि कौन सबसे ज्यादा अच्छा है और आज का विनर कौन होता है तो लास्ट में पता चलेगा। तो आ जाओ एक साथ पहला वायरल हैक्स को देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये इधर कुछ गड्ढा कर रहा है और इसने इधर नीचे सोल्ट सैंड लगा दिया। ओके, अब उसके ऊपर पानी लगा दिया तो उधर बबल होने लग गया। अब उसके ऊपर हनी कॉम्ब दे दिया, ठीक है। अब क्या करेगा? ओके, अभी ये इसका अंदर एंडर पर्ल मार रहा है, अभी पता नहीं क्या होगा उसके बाद, आगे देखते हैं। ओके, इसको इसने तोड़ दिया। एंड भाई साहब ये गजब चीज़ है, एक बहुत अच्छी चीज़ बन गया ये तो बनाना भाई बनता है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले चाहिए होगा एक हनी कॉम्ब चाहिए होगा, सोल सैंड चाहिए होगा और एंडर पर्ल चाहिए होगा। और मुझे हनी कॉम्ब मिलेगा इधर तो नहीं है, और हनी कॉम्ब ये रहा इधर हनी कॉम्ब मुझे मिल चुका है। इधर से मैं ले लेता हूँ एक स्टैक हनी कॉम्ब, वैसे लगेगा 3 सेप लगेगा। और मुझे चाहिए होगा सोल सैंड एंड वो एंडर पर्ल। मैंने इधर से सोल सैंड मैंने ले लिया एंड इधर से मैंने एंडर पर्ल भी ले लिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे 2 ब्लॉक का डिगिंग करना पड़ेगा। तो मैं इसको बनाता हूँ एक अच्छे से लोकेशन देखकर, विलेज के सामने बनाते हैं। मैं काम करता हूँ इधर बनाता हूँ, देखने में अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, सॉरी इधर ये गलती से 3 ब्लॉक का डिगिंग हो गया। 3 ब्लॉक में डिगिंग में चलेगा क्या? नहीं, मैं थोड़ा सा और दूर जाके बनाता हूँ, इधर बनाता हूँ, ठीक है। ये मैंने 2 ब्लॉक का डिगिंग किया एंड इधर भी मैंने 2 ब्लॉक का डिगिंग कर दिया। अब इसके नीचे आएगा सोल सैंड कुछ इस तरीके से, और अब इसके ऊपर डालेगा वाटर बकेट है। हाँ, तो मैं वाटर बकेट में ले लेता हूँ। इधर कहाँ मिलेगा? ये रहा इधर से मुझे वाटर बकेट मिल चुका है। अब वाटर बकेट को लेके इसके अंदर पानी डालना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, और इसके ऊपर से बबल आना चालू हो चुका है। ओके, अब इसके ऊपर लगाना पड़ेगा हनी कॉम्ब को, मैंने 2 लगा दिया और साइड वाले को तोड़ना पड़ेगा। ओके, अब तो इतना काम हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना, बस इसके ऊपर एंडर पर्ल मुझे मारना है। अब देखते हैं कि ये मिथ काम करता है कि नहीं। ओके, मैं तो ये टेलीपोर्ट हो गया भाई। मैं अभी सोच रहा था कि भाई कैसे हो सकता है ये देखो मैं टेलीपोर्ट हो रहा हूँ। वैसे होना भी चाहिए क्योंकि एंडर पर्ल से तो टेलीपोर्ट ही होता है ना। ये देखो मैं टेलीपोर्ट होकर इधर के साइड पे आ रहा हूँ बार बार। ये देखो मैं अंदर ही चला गया भाई, ये मैं अंदर ही आ गया, हनी कॉम्ब के नीचे हूँ मैं। इधर से अब मैं बाहर कैसे निकलूँ? ओके, मैं जैसे तैसे करके बाहर तो आ गया। चलो अभी पता नहीं, मतलब उस बंदे का तो काम कर रहा था और वो बंदा पॉकेट एडिशन पे भी कर रहा था, मतलब पॉकेट एडिशन पे ही वो कर रहा था और मेरा भी तो पॉकेट एडिशन ही है ना, फिर मेरा क्यों नहीं हो रहा? मैं पानी में भी ट्राई कर रहा हूँ कि पानी में ऐसे एंडरफॉल काम करता है कि नहीं, बट पानी में काम कर रहा है एंडरफॉल। देखो मैं इधर आ गया और पता नहीं वो क्या, ये इसको शायद से एंडर माइट कहते हैं, एंडरफॉल से एंडर माइट पता नहीं निकलते हैं कि नहीं, मैं तो पहली बार ये देख रहा हूँ। जो भी हो, लेकिन ये एंडर पर्ल काम नहीं कर रहा। देखो मैं पानी में डाल रहा हूँ, जिधर में डाल रहा हूँ उधर ही मैं टेलीपोर्ट हो जा रहा हूँ सीधा, जैसे कि ये देखो मैं ये इधर आ गया, कहाँ आ गया पता नहीं, बट पता नहीं, देखते हैं कि कैसे काम करता है ये। ओ, मैं ऐसे ही बार बार ट्राई कर रहा था कि इधर हो पाता है कि नहीं, पता नहीं कैसे अचानक से ये देखो इसके अंदर एंडर पर्ल जाना चालू हो चुका है, मतलब हनी कॉम्ब के अंदर। अभी मैं टेलीपोर्ट नहीं हो रहा, यानी कि मेरे ख्याल से अभी ये काम करने वाला है। मैं फटाफट से जितना हो सके इसके अंदर एंडर पर्ल डालते हैं और देखते कि भाई देखने में कैसा लगता है एंड में। ओके, फटाफट से डालो इसके अंदर खूब सारा एंडर पर्ल। ओके, मैं इसके अंदर डाले जा रहा हूँ खूब सारा, मैंने ऑलरेडी बहुत सारा एंडर पर्ल डाल दिया। ओके, मैं अभी टेलीपोर्ट क्यों हो रहा हूँ? ओके, एक सेकंड, अभी तो काम कर रहा था ना, मैं अभी टेलीपोर्ट हो रहा था। ओके, फिर से काम कर रहा है। हेलो, क्या हो रहा है ये? ओके, हेलो, हनी कॉम्ब के अंदर एंडर पर्ल तो है ना? हाँ, एंडर पर्ल तो मुझे दिखाई दे रहा है, बट थोड़ा सा ही है, बाकी का गायब हो गया। बाकी का गायब कैसे हो गया? ओके, मैं अब फिर से अंदर चला गया भाई, कैसे हो रहा है ये? मैं फिर से अंदर आ गया, बाहर निकलो इधर से। ओके, मैं कहीं पे तो आ गया, पता नहीं किधर आ गया। ओके, सामने 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 इधर ही है। ओके, मैं फिर से जाके मैं इसके अंदर डालता हूँ खूब सारे एंडर पर्ल, पता नहीं कैसे मैं अंदर चला गया था और सारे का सारे एंडर पर्ल इधर से गायब हो गया। ओके, मैं फिर से इधर डालने की कोशिश करता हूँ। ओके, फिर से ये काम कर रहा है, यानी कि ये काम तो करेगा। वैसे मैं इसके अंदर खूब सारा एंडर पर्ल डालता हूँ।
ऑल राइट, मैंने इसके अंदर जितना हो सके उतना इंटरपल डाल दिया है, अब तोड़ कर देखते हैं कि ये कैसा लगता है देखने में, वीडियो के तरह होता है कि नहीं। ओके हो रहा है भाई साहब, लिटरली देखो भाई, ये तो भाई मुझे लग रहा है कि वीडियो से भी ज़्यादा अच्छे हुआ। ये कितना ऊंचा तक जा रहा है, तुम देखो एक बार कितना ऊंचा। और ओ ओ ओ, 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 ओ क्या हुआ ये, मैं अचानक से टेलीपोर्ट हो गया और सारा का सारा एंडरफॉल गायब हो गया। बट जो हुआ था ना एंडरफॉल से एकदम पूरा का पूरा ऊंचा तक चला गया था। कितना ऊंचा चला गया था, जो भी हो बोलो, देखने में बहुत ज़्यादा ये अच्छा लग रहा था। अब मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट वायरल हैक की तरह, लेकिन उससे पहले इसको मैं रेटिंग देना चाहूँगा 10 में से 8 ही ठीक ठाक है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगा, ये अच्छा था जो भी बोलो तुम। ये भी सबसे पहले तो इधर दो ब्लॉक का डिगिंग कर रहा है, उसके ऊपर लगा है सोल सैंड पहले की तरह ही। अब इसके ऊपर साइड से पानी आएगा, ओके पानी डाल दिया इसने, बबल आ रहा है। अब इसके ऊपर लगा दिया स्टैंड, ठीक है। अब ये लगा रहा है एक जॉम्बिस का हेड, सीप का हेड एंड एक क्रीपर का हेड, ओके। अब डाल दिया इनविजिबल पोशन एंड ये बन गया फ्लोटिंग हेड, कुछ जादू टाइप का। ऐसा लग रहा है कि पानी के ऊपर भाई हेड तैर रहा है, तो इसको बनाना तो भाई बनता है। ओके, तो इस बिल्ड हैक के लिए सबसे पहले तो मुझे एक आर्मर स्टैंड चाहिए होगा, जो कि मुझे इधर से मिल चुका है, और मुझे हेड चाहिए होगा, मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा है। तो इधर से मैंने एक स्टीव का हेड ले लिया और एक पिगलिन का हेड ले लिया, ड्रैगन का भी एक हेड लेते हैं क्योंकि देखने में शायद से वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मुझे चाहिए होगा एक जॉम्बिस का हेड, नहीं स्टीव का लेता हूँ क्योंकि स्टीव का उधर से हट गया था। तो ठीक है, मैंने स्टीव का भी हेड ले लिया, अब लेते हैं एक जॉम्बिस का हेड। ओके, मैंने सारा का सारा हेड ले लिया है, अब बस मुझे दो ब्लॉक डिगिंग करके मुझे लगाना पड़ेगा। बट एक सेकंड, मेरे पास जॉम्बिस का हेड नहीं आया, तो इधर से मैंने जॉम्बिस का हेड ले लिया, ठीक है। अभी मुझे इसको बनाना पड़ेगा, हाँ इधर बनाता है। सबसे पहले तो इधर दो ब्लॉक का डिगिंग करना पड़ेगा और अभी मुझे साइड में जाना पड़ेगा। मेरे पास है टोटल हेड, मेरे पास 5 हेड है, यानी कि 5 ब्लॉक का मुझे साइड में डिगिंग करना पड़ेगा। तो मैं फटाफट से काट लेता हूँ और ये साइड से 5 ब्लॉक का हो गया और इधर मैं एक ने फिल कर दिया क्योंकि मैंने उसको गलती से तोड़ दिया था। अब इसके अंदर मैंने नीचे डाल दिया सोल सैंड, अब इसके ऊपर आएगा पानी और इधर बाबल आना चालू हो चुका है। अब आएगा आर्मर स्टैंड एक एक करके इसके ऊपर। ओके, मैंने आर्मर स्टैंड डाल दिया और आर्मर स्टैंड तो भाई अभी पूरा का पूरा नाच रहा है भाई, अभी से ये पता नहीं क्यों देखने में अच्छा लग रहा है। अभी मैं इसको फटाफट से हेड लगाते हूँ। मैंने ये ड्रैगन का भाई देखो कितना ज़्यादा डेंजरस लग रहा है, और मैंने पिगलिन का भी लगा दिया और जॉम्बिस का, एंड लास्ट में आएगा मेरा स्टीव का हेड। ओके, अभी बारी है इसके ऊपर इनविजिबल पोशन को डालने का, ठीक है। इधर से इनविजिबल पोशन लेते और इधर से डालते है, लेट्स गो। अभी देखो भाई कैसा लग रहा है, बट एक सेकंड, इधर का ये कहाँ गया, इधर का जॉम्बिस का हेड का जो था कहाँ गया, उसको उधर पता नहीं कहाँ चला गया। एक सेकंड, मैं इधर एक स्टैंड लगा देता हूँ और इसके ऊपर मैं जॉम्बिस का हेड लगा के इनविजिबल पोजन के इसके ऊपर डाल देते हैं, अब शायद से हो जाएगा। अभी ठीक है, अभी पूरा का पूरा बन चुका है, देखो भाई देखने में कैसे लग रहा है, पूरा का पूरा सारे का सारा हेड नाच रहा है भाई। और इस ड्रैगन का हेड एक बार देखो तुम, कितना ज़्यादा फनी लग रहा है। और पिक को भी मैंने गायब कर दिया, और कुत्ते तू भी गायब हो जा भाई, दोनों को मैंने गायब कर दिया भाई। ये बहुत ज़्यादा अच्छा था, ये फनी है भाई, जो भी बोलो तुम, ऐसे हवा में हेड उछल रहा है, बट ये मैं कहाँ गिर गया। ओके, ये मीट तो भाई बढ़िया मीट है, मैं इसको रेटिंग देना चाहूँगा 10 में से 7.5, क्योंकि सबसे पहला वाला जो था ना वो सबसे ज़्यादा मुझे बेस्ट लगा। तो फिर चलो जल्दी से देख लेते हैं नेक्स्ट हैक को। तो ये सबसे पहले तो इधर एक ऑब्सिडियन रखा, अब ये इधर रेल लगा रहा है, इधर एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड करके, ओके स्नेक जैसा कुछ रेल लगा है। अब इसने लगा दिया स्टिकी पिस्टन नहीं, बस नॉर्मल पिस्टन ही अब लगा रहा है। ओके, रेडिस्टोन को लगाने के बाद ये बन चुका है एक गोला टाइप का रेलवे। भाई साहब ये बहुत ज़्यादा गजब चीज़ है। ओके, मैं इसको बनाऊंगा। ऑल राइट, तो हमने सारा का सारा सामान ले लिया है, जो सामान चाहिए होगा। सबसे पहले तो इधर मुझे जो ऑब्सीडियन लगाना पड़ेगा, ऑब्सीडियन को लगाना पड़ेगा, लगाता हूँ मैं इधर ऑब्सीडियन को, इसके पास में ही लगाऊंगा मैं। ओके, अभी लगाना पड़ेगा रेल को। ओके, 1-2 लगेगा, 3, और अभी आएगा रेल इधर और एक लेफ्ट साइड पे एंड सामने राइट साइड पे, सामने लेफ्ट साइड पे, सामने आएगा एंड राइट साइड पे, और ये साइड से रेडी हो गया है क्या। मैंने काउंट नहीं किया कि कितना मैंने रेल लगाया, बट जो भी हो साइड से ठीक ठीक ही हुआ है, मैं लगा कर देखता हूँ। एंड ये बन चुका है भाई,
बन गया गोला टाइप का, देखो भाई गोल चक्का टाइप का एकदम, कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इसको भी तोड़ देते हैं, अभी देखो भाई कैसा लग रहा है ऊपर से गोल गोल। भाई माइनक्राफ्ट में तुमने कभी गोल वाला ब्लॉक का भी देखा है कि? देख लो रेल से भी बन सकता है ये गोल। मैं पहली बार माइनक्राफ्ट में कोई गोला चीज देख लो, मतलब गोलाकार चीज, नहीं तो माइनक्राफ्ट में सब डब्बे डब्बे जैसा होता है ना ये। भाई कितना ज़्यादा फनी है, मैं एक और बनाऊंगा। पता नहीं कि मुझे ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग गया। ओके अभी ऐसे मुझे रेल लगाना पड़ेगा, एक लेफ्ट साइड पे, एक आएगा राइट साइड पे, एंड एक और लेफ्ट साइड के। ओके और ये, एंड ये लास्ट रेल अभी आएगा इधर से पिस्टन, और इसके साइड में आएगा रेडस्टोन। ओके ये फिर से बन चुका है भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ये बहुत, तुम ना इस चीज़ को ऐसे करके तुम फायर वेबलेट में वर्ल्ड में डेकोरेशन कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। मैं इसके साइड में एक और बना रहा हूँ। ओके इसके साइड में एक, एंड ऐसे करके एक स्नेक टाइप का कुछ बनना पड़ता है, उसके बाद लगेगा एक स्टिकी पिस्टन इधर से आएगा, एंड ये आ गया, एंड इसके साइड में रेडस्टोन ब्लॉक। ओके भाई जो भी बोलो, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट अभी तक का मेरे ख्याल से तो वायरल हैक्स है। मुझे ये पता नहीं क्यों कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग गया। ये सर्वाइवल में डेकोरेशन का तो बहुत ज़्यादा ही काम आएगा। हाँ तो इसको मैं रेटिंग देना चाहूँगा 9 out of 10। ऑलराइट तो सबसे पहले तो ये क्या कर रहा है, ये आर्मर स्टैंड को लेके एक एक ब्लॉक गैप देके ऊपर ऊपर में ऐसे करके आर्मर स्टैंड लगा रहा है। ठीक है उसके बाद क्या होगा भाई? ओके सारे के सारे आर्मर स्टैंड को लगा दिया, अब लगा रहा है पूरा का पूरा डायमंड का सेटअप एंड एक नेटराइट का शॉर्ट। सारे के सारे साइड से आर्मर स्टैंड के पहनाया गया ये। ओके ये पहना रहा है सारे के सारे आर्मर स्टैंड को, और इसने कंप्लीट कर दिया। अब क्या कर रहा है? ओके बीच का जो ब्लॉक है ये तोड़ रहा है, इसने सारे का सारा ब्लॉक तोड़ दिया। अभी इधर रेडस्टोन आएगा, ठीक है पाउडर लगा दिया, और ये साइड से कंपरेटर होगा, और इधर से एक, एंड इसने कनेक्ट कर दिया। ओके ये बन चुका है एक डिजाइन वाला आर्मर स्टैंड का डांस, तुम कह सकते हो आर्मर स्टैंड डांस। इसको मैं बनाऊंगा जरूर। ऑलराइट तो चलो फटाफट से इसको बनाना चालू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा एक आर्मर स्टैंड, वैसे काफी सारा सामान चाहिए होगा, और मुझे रेडस्टोन टॉर्च एंड रेडस्टोन बस चाहिए होगा, और एक और चीज चाहिए होगा जो कि है कंपैरेटर। ओके कंपैरेटर मुझे किधर से मिलेगा? इधर कंपैरेटर तो नहीं है। ओके इस वाले सेक्शन पे भी नहीं है, एंड कंपैरेटर कहाँ गया? ओ अच्छा इधर से या मिल गया, मैंने इधर से कंपैरेटर भी ले लिया है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसे ही नॉर्मल कोई भी ब्लॉक से ये काम मिल जाएगा, बट उससे पहले मैं एक बार दीन कर लेता हूँ। ओके तो पहले तो हमें कोई भी सा एक ब्लॉक लेके पहले इधर लगाना पड़ेगा, अब इसके ऊपर मुझे लगाना पड़ेगा इस आर्मर स्टैंड को। ओके इधर मैं इसको लगाता हूँ, ठीक है अब इसके ऊपर आएगा एक और ब्लॉक, बट एक सेकेंड ये टूट गया, यानी कि मेरे ख्याल से अभी मुझे पहले तो एक टावर बनाना पड़ेगा ब्लॉक का, कोई भी ब्लॉक का। तो मैं काम करता हूँ, पहले जितना ऊंचा हो सके मैं उतना एक टावर बनाता हूँ, उसके बाद मैं बीच का दो दो ब्लॉक करके मैं तोड़ दूंगा। अभी इसको बीच का दो ब्लॉक तोड़ के मैं बीच में लगाऊंगा क्या आर्मर स्टैंड को, इस तरीके से। अभी मुझे सेम टू सेम चीज़ नीचे से लेकर ऊपर तक करना पड़ेगा, ये इसको तोड़ के इधर एक आर्मर स्टैंड आएगा और इसके ऊपर एक ब्लॉक आएगा। ओके अभी बीच का दो ब्लॉक ये तोड़ के मुझे लगाना पड़ेगा नीचे एक आर्मर स्टैंड, ऐसे करके मुझे एकदम टॉप टक करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे बीच का जो ब्लॉक है वो सारे के सारे तोड़ना पड़ेगा। बट मैंने एक गलती कर दिया कि मुझे ये सारे के सारे आर्मर स्टैंड को रोटेशन करके लगाना पड़ेगा, एक से एक रोटेशन रखा होगा। जैसे कि मैं इसको इस तरीके इधर साइड पे लगाऊंगा तो इसको लगाऊंगा इधर साइड पे, सारे के सारे आर्मर स्टैंड ऑपोजिट साइड पे होगा एक के एक के, तो मैं ऐसे करके लगाने वाला हूँ। अभी ये आर्मर स्टैंड आएगा इधर के साइड पे फेस करके, एंड दूसरा आर्मर स्टैंड आएगा इसका कोने इधर के साइड पे फेस करके। अभी मुझे इस तरीके से सेम टू सेम ऊपर तक करना पड़ेगा, बाकी मैं तुम लोगों से सीधा मिलता हूँ सारे के सारे आर्मर स्टैंड को लगाने के बाद। ओहो अभी से ये कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको तोड़ू ही ना, ऐसी मतलब ऐसी सही लग रहा है देखने में, पता नहीं कि मुझे ये अच्छा लग रहा है।
एक ऊंचा टावर टाइप का मैंने बना दिया है। बाकी हाँ ऐसे ऐसे तो नहीं रखना पड़ेगा, अभी मुझे सारे के सारे बीच का ब्लॉक को तोड़ना पड़ेगा, तो मैं फटाफट से ये सारे के सारे बीच के ब्लॉक को मैं तोड़ देता हूँ जल्दी से। ओके, एक के ऊपर ये आर्मर स्टैंड आ गया एंड ये दूसरा, एंड ये तोड़ दिया मैंने तीसरा वाला, और ये गया चौथा, ये गया पाँचवा, और ये छठा, और ये सातवा। ओके, एंड ये लास्ट मैंने तोड़ दिया। अभी देखो जो मैं चाहता था वो ही हुआ, बट मैंने फिर से एक और गलती कर दी। मैं इन लोगों को आर्मर पहनना नहीं भूल गया, अभी मुझे इधर से एक आर्मर लेना पड़ेगा। तो अभी इन लोगों को आर्मर पहनाते हैं। ओके, एक तो मैंने इक्विप कर दिया और मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये सारे के सारे आर्मर पहन पाएगा। ओके, बस एक ही के ऊपर ही आर्मर लग रहा है, रैंडमली किसी के ऊपर ही आर्मर लग रहा है, बट सबके ऊपर आर्मर नहीं लग रहा है। मुझे सबके ऊपर आर्मर पहनाना है और सबके हाथ में मुझे शॉर्ट भी देना है, तो मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे फिर से ये काम करना पड़ेगा, मुझे फिर से ये ऑब्सीडियन का टावर बनाना पड़ेगा, उसके बाद मुझे सेम टू सेम चीज़ करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने दोबारा से ये टावर बना दिया है, बट अभी मुझे पहले ये आर्मर पहनाना पड़ेगा, उसके बाद मैं बीच का ब्लॉक तोड़ूंगा। ओके ठीक है, मैं मुझे बस इसको हेलमेट पहनना है और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको हेलमेट पहना, ये ठीक है, इसका ये सेट कंप्लीट हो गया। अभी मैंने हाथ में शॉर्ट भी दे दिया है, अभी मुझे सारे के सारे आर्मर स्टैंड को सेम टू सेम चीज़ करना पड़ेगा। लेकिन पहले मैं ये सारे के सारे आर्मर स्टैंड को मैं ये शॉर्ट पकड़ा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं सारे के सारे आर्मर को मैं पहनाऊँगा, बट इसको मैं पहना क्यों नहीं पा रहा। ओके, इसको भी मैंने शॉर्ट दे दिया और इसको भी हाथ में आ गया। चलो ठीक है, अभी जल्दी से ये सारे के सारे काम निपटाते हैं, उसके बाद देखेंगे। और बीच का मैंने गलती से तोड़ दिया, इसको लगाओ आर्मर स्टैंड बीच में एक आएगा और ये आ गया, एंड इसको आएगा एक स्टैंड। ओके ठीक है, और इसको भी मैंने शॉर्ट दे दिया और ये इसके हाथ में भी आ गया और इसका हाथ में भी एक आ गया, और ये शायद से लास्ट है, नहीं ये लास्ट नहीं है। ओके, और भी है। ओके, ये लास्ट था, ठीक है, सबको मैंने दे दिया। अभी बस सबको देना है मुझे ये आर्मर पूरा का पूरा, मैंने पूरा का पूरा सेट इसको दे दिया। अभी मैं जल्दी से सबको आर्मर दे के मैं तुम लोगों से मिलता हूँ। ओके, तो वीडियो में जैसा था सेम टू सेम भी इधर ही बना है, तो मैं जैसा चाहता था वैसा ही हुआ है। और अभी देखो ऊपर से कैसा लग रहा है देखने में, ऐसा लग रहा है कि बीच का ये घूम रहा है, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। बाकी सब कुछ तो सही है, अभी मुझे इसका रेडिस्टोन का कुछ काम करना है, वो मैं फटाफट से करना चालू करता हूँ। तो उस बंदे ने पहले किया था कि इधर एक उसने रेडिस्टोन टॉर्च लगाया था, उसके बाद किया था कि इधर से रेडिस्टोन डस्ट को लेके इधर एक लाइन बनाया था, ठीक है, अभी इधर तक आया था। ओके, ये इधर तक आएगा, अभी जाके इधर एक आएगा कंपैरेटर इस तरीके से, और इसके ऑपोजिट करके एक और कंपैरेटर आएगा। ये हो गया, अभी तो ये चालू होना चाहिए था, काम तो हो गया, ऐसा ही किया था उसने, मुझे याद है पक्के से। अभी मैं दोबारा से कोशिश करता हूँ, फिर से मैंने लगा दिया इसको, बट ये नहीं हुआ। फिर भी नीचे भी इसको मैंने लेकर आ गया, बट ये फिर भी काम नहीं कर रहा। एक सेकंड भाई, ऐसे ही तो हुआ था ना, मैंने देखा था एकदम पक्का वीडियो में, ऐसा ही था सेम टू सेम, फिर ये काम क्यों नहीं कर रहा। और उसने शायद से पॉकेट या फिर बेडरॉक एडिशन पे ट्राई किया था, बट मैंने तो ठीक ठाक ये कर रहा हूँ ना, फिर भी ये नहीं हो रहा। मैं एक बार सारे के सारे चीज़ों को मैं तोड़ के कोशिश करूँ क्या, मैं दोबारा से एक बार देखता हूँ। एक सेकंड, मैं कुछ नए तरीके से मेरी तरफ से मतलब ट्राई करता हूँ एक बार। पहले तो एक बार मैं डीन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं दोबारा से देखूँगा। ओलो चलो ठीक है, डीन हो गया है, एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ अभी। ठीक है, इधर रेडिस्टोन डस्ट नहीं, इसको तोड़ के इसके नीचे रेडिस्टोन डस्ट दे के मैं अगर ऐसे करके मैं फिर एक बार मैं इधर अभी कंपैरेटर को लगाऊंगा तो इधर आएगा रख जा। हाँ ठीक है, और इसके ऑपोजिट एक लगाया था उसने, लगाओ इसको इधर ऑपोजिट करके। ओके, अभी तो ये चालू हो जाना चाहिए था ना, ऐसे ही तो था। रुक जाओ, मैं थोड़ा सा देख कर आता हूँ, रुक जाओ तुम लोग 2 मिनट बस रुको। A few inches later. All right guys, कुछ मैकेनिज्म करने के बाद अभी ये पूरी तरीके से काम करना चालू हो चुका है, और मैंने जो मैकेनिज्म किया है उसको मैंने कारपेट से ढक दिया है, बट मैं तोड़ के दिखाऊंगा कि मैं अंदर क्या किया है। जो मैं पहले किया था एकदम मैंने परफेक्ट ही किया था, बस एक जगह पे मैंने गलती कर दी थी जो कि मैं दिखाता हूँ। पहले मैं सारे का सारा कारपेट तोड़ देता हूँ, पहले मुझे इधर रेडिस्टोन टॉर्च लगाना था जो मैंने लगाया था, अभी उधर से मुझे रेडिस्टोन पाउडर लगाते हुए इधर दो कंपैरेटर ऑपोजिट लगाना था, बट कंपैरेटर के आगे ये जो दो रेडिस्टोन पाउडर है ना उसको मैंने नहीं लगाया था।
इसके वजह से ही वो पहला वाला काम नहीं किया था और ये वाला काम कर रहा है। बट मैं अभी के लिए इसको मैं ढक देता हूँ ताकि ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, इसलिए क्योंकि मैंने इसका ऊपर वाला जो ब्लॉक था ना उसको मैंने गलती से तोड़ दिया था, इस वजह से अभी मुझे कार्पेट लगाना पड़ रहा है इधर, नहीं तो कार्पेट लगाना नहीं पड़ता था। बट जो भी हो, कार्पेट लगाने के बाद ये बहुत ज़्यादा सही लगे, तो मैं फटाफट से इधर कार्पेट लगा देता हूँ। ओहो, अभी ये देखो कितना सही लग रहा है। और मैं इसका अंदर चला जाऊँगा तो मैं भी नहीं दिखूंगा भाई, देखो पूरा का पूरा मैं हाइड हो गया, बस थोड़ा सा दिख रहा था। हाँ, अभी देखो एकदम फुल्ली मैं हाइड हूँ भाई, कितना सही लग रहा है। जो भी बोलो तुम, ये बहुत जो चीज़ बना है बहुत अच्छा लगा। और ऊपर से देखो भाई कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई नाच रहा है शॉट लेके। बहुत सही ये बिल्ड बन गया। मैं तो इसको रेटिंग देना चाहूँगा 10 में से 9 नंबर। और इसको इनविजिबल करने के बाद तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो आर्मर स्टैंड था वो पूरा का पूरा गायब हो चुका है, बस विजिबिलिटी है सॉर्ड एंड आर्मर का। और इसको भी मैं थोड़ा सा इनविजिबल कर देता हूँ। ये देखो अभी परफेक्ट लग रहा है, पूरा का पूरा दोनों साइड में ये नाच रहा है, एक का मुंडी हिल रहा है और एक तो पूरा का पूरा नाच रहा है भाई। जो भी बोलो, ये बिल्ड हैक तो एकदम सबसे बेस्ट था मेरे हिसाब से तो। और हाँ, तुम लोग कमेंट पर बताना कि तुम लोगों को कौन सा बिल्ड हैक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे तो ये स्टैंड वाला बहुत ही अच्छा लगा। और सेकंड पे रखना चाहूँगा वो जो गोल गोल रेल का बना था उसको मैं रखना चाहूँगा। एंड आई होप कि आप सभी को आज का वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके नीचे एक सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसको दबा दो। बाकी मैं तुम लोगों के साथ मिलता हूँ ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।